एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेडी लव क्वेश्चन। सो गाइस, आज का जो व्लॉग है वो कुछ स्पेशल होने वाला है। टर्न लेफ्ट ऑनटू सेवा मार्ग। अपना स्मूथनिंग कराने, केरा स्मूथनिंग कराने। सो दो बार मैं करा चुकी हूँ स्मूथनिंग, बट इस बार मैं केरा स्मूथनिंग कराने जा रही हूँ। तो चलिए, आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाती हूँ। मैं 2 सालों से कंटिन्यू फॉर 3 किलोमीटर्स, तो आपको भी वो जगह दिखाती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ दिल्ली के हरिनगर में, एंड वहाँ पे जो जो काम है, वहाँ का जो काम है बहुत ही अमेजिंग है। मैं 2 बार वहाँ पे करा चुकी हूँ, ये मेरा 3rd टाइम है। सो गाइज, लेट्स गो, आपको भी दिखाती हूँ कि केरा स्मूथिंग का क्या क्या हो रहा है और स्मूथनिंग और केरा स्मूथिंग में क्या डिफरेंस है, क्योंकि मुझे भी जानना है। क्योंकि 2 बार से मैं स्मूथिंग करा रही हूँ, तो इस बार केरा स्मूथिंग है, तो मुझे भी जानना है इस बारे में। सो लेट्स गो। एक्चुअली मुझे ब्लॉग के लिए कंटेंट चाहिए। वैसे मैम कब तक आएंगी? अच्छा, वैसे मैंने 2 बार वो सुभाष नगर वाले ब्रांच है ना, वहाँ से करवाया था स्मूथनिंग। ये फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आया हूँ। नहीं, बस थैंक यू। वैसे स्मूथिंग और केरा स्मूथिंग में क्या डिफरेंस है? केरा स्मूथिंग होता है कि अगर स्मूथिंग से स्ट्रेट बाल बचती है, तो केरा स्मूथ में ये होता है कि अगर जो बाल थोड़ा डैमेज होते हैं तो केरा स्मूथ में थोड़ा रिपेयर हो जाते हैं। अच्छा, स्मूथ केराटिन को थोड़ा रिपेयर कर देते हैं। अगर थोड़ा बहुत बाल ड्राई होता है
लुक आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो गाइस जो रीत मेकओवर है जिसमें मैं गई थी उनका ये सेकेंड दूसरा ब्रांच है। पहला जो ब्रांच है वो सुभाष नगर में है और जो दूसरा ब्रांच है वो हरिनगर में है। तो गाइज मैं आपको ना उनका एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जो भी दिल्ली में है जिनको कराना है वहाँ पे करा सकते हैं, बिकॉज वहाँ के जो वर्कर्स हैं, जितने भी मेम्बर्स हैं वहाँ पे, इतने अच्छे हैं। उन्होंने इतने अच्छे से उन्होंने मेरा ख्याल रखा है एग्जैक्टली क्योंकि उन्होंने मतलब ख्याल इन द सेंस कि हर एक चीज़ का उन्होंने देखा है कि प्रॉपर हेयर वॉश भी उन्होंने बहुत ही अच्छे से करा और हर एक चीज़ से उन्होंने हर मिनट में वो कॉफ़ी चाय ये सब के लिए पूछ रहे थे। सो दैट वाज वेरी नाइस, यू नो बहुत जेंटल लोग थे वो लोग। एंड लास्ट में फीडबैक मांगा तो फीडबैक तो भाई ज़रूर देना बनता है। तो गाइस बहुत ही अच्छा उन्होंने ये किया है। मतलब मैं पर्सनली पहले से करा रखा है मैंने 2 बार ऑलरेडी, तो ये मेरा दूसरे ब्रांच का पहली बार है। सो आई लव्ड इट पर्सनली। संडे को मुझे जाना है हेयर वॉश के लिए एंड मुझे स्पा कॉम्प्लीमेंट्री मिला है। सो गाइज अगर आप मेरे थ्रू जाते हैं तो आप लोगों को भी कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, मेरा नाम ले लेना। ओके सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।